सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप कुमार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई दोस्तों कॉल सुन रहा है, कॉल रिकॉर्ड आपका कर रहा है चुपके से, और आपको पता नहीं है कि कोई मेरे मोबाइल का कॉल सुन रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, और आप मतलब ये भी नहीं जान सकते कि मतलब कौन सा ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके मोबाइल में कोई एक्सटर्नल ऐप्स इंस्टॉल नहीं होंगे, कोई आपका मोबाइल की कॉल को नहीं सुन सकता, ये तो गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सटर्नल जो है वो ऐप इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आप कैसे जान सकते हो कि आपकी कॉल को कोई सुन रहा है एक्सटर्नल ऐप इंस्टॉल करके? क्योंकि दोस्तों, ऐप इंस्टॉल करने के बाद हाइड कर दिया जाता है, तो इससे आपको पता करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊँगा, जिससे कि आप ऐप को, जो भी इंस्टॉल्ड ऐप है, उसको जान सकते हो। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया उसे, तो उसे रिमूव कर सकते हो, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, मैं आपको ये सारे तरीका बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे क्लिक कर ले। ठीक है, और उसके बगल में जो बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक कर ले, ताकि जो हमारे वीडियो का आने वाले नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आपको कोई भी एक्सटर्नल जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं करवाना चाहता और नहीं करवा रहा, ठीक है, आपको मैं मोबाइल के ही फंक्शन से आपको निकाल के बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि सर कैसे जान सकते हैं कि कोई मेरा कॉल को सुन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जाना होगा अपने सेटिंग में। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा ये पूरी बात को, तभी आप पकड़ पाओगे कि कौन सा ऐप एक्सटर्नल जो है अपने से डाला गया, किसी ने डाला है, और मोबाइल में जो ऐप्स पहले से इंस्टॉल आता है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद सेटिंग में आपको जाना है। ठीक है दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे में सभी के फ़ोन में एक एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन मैनेजर जो होता है, एप्लीकेशन यहाँ आप देख रहे हो डिस्प्ले के जो नीचे एप्लीकेशन है, वो सभी के फ़ोन में रहता है, आप उसमें चले जाना। ठीक है, आप सभी अपने मोबाइल में चेक करके ज़रूर देखना। यहाँ पर देखना, आप एप्लीकेशन मैनेजर जो होगा एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, ऊपर में जो मिल रहा है हमें, ठीक है, एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाना। इसमें जो भी ऐप्स आप में डाउनलोडेड हैं, ठीक है, एसडी कार्ड में है, ठीक है, रनिंग है, ठीक है, आपको इन सब के अलावा, इन सब के अलावा सीधे ऑल में जाना है। जो भी रनिंग है, इंस्टॉल है, नहीं रनिंग है, सारे ऐप्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे डबल ए एस ए सर्विस एडाप्ट साउंड ऑल शेयर, जैसा कि हम आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा कि दोस्तों ये तो मैंने इंस्टॉल किया ही नहीं है, तो आप पकड़ कैसे पाओगे इसमें? आप देख रहे हो बहुत सारे ऐप्स ऐसे दिख रहे होंगे आपको इसमें कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, अभी आप ध्यान से देखना इस तरीके को। ठीक है, जैसा कि दोस्तों अगर हम जानना चाहेंगे कि ये हमारा जो रिकॉर्डिंग ऐप है, तो ये नहीं होगा, देखिएगा कैसे हम पकड़ेंगे इसको। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, तो ये तो इसमें पहले ऑप्शन ही नहीं है अनइंस्टॉल का, जो भी इंस्टॉल ऐप होगा उसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन ज़रूर होगा, लेकिन जो मोबाइल में पहले से आता है उसमें सिर्फ फोर्स स्टॉप डिसेबल इसका ही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे आप देख सकते हैं, देखिए ये इस पर भी हम क्लिक किए, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ऐप हमें इंस्टॉल्ड होगा, जैसे ई सब जो है सारा पहले से आता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा मोबाइल का फंक्शन है, तो इसमें कोई मतलब ब्लूटूथ जैसे आप जानते हैं, ये सारा मोबाइल का फंक्शन है। वैसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम कोई नया दिखाते हैं आपको, अगर जो भी हम इंस्टॉल किए हुए, ये सब तो पहले से ही रहता है। ठीक है, आपको जो भी नया लगे आप सबको चेक कर लेना, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं अभी, जैसे अगर ये फिल्मोरा गो अगर हमने इंस्टॉल कर रखा है ऊपर से, तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखना आप अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। हम एक नहीं आपको मतलब दिखा सकते हैं, जो भी ऐप्स हमें इंस्टॉल है उन सारे के ऑप्शन हम दिखा सकते हैं आपको। जैसे आप देख लेना, फेसबुक लाइट ये ऊपर से इंस्टॉल किया हुआ है, फेसबुक का जो मेन आता है वो तो पहले से मोबाइल में है, लेकिन ये ऊपर से इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन हो। जैसे आपको लगे कि नहीं ये ऐप हमने डाउनलोड नहीं किया, तो आप तुरंत अनइंस्टॉल कर देना, कुछ भी दोस्तों सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे ये सारे जो हैं ये पहले से आते हैं, कोई भी ऐप हो तो इसमें नहीं होगा ऑप्शन। आप बस इतना ही चेक करना है दोस्तों, आपको सारे को एक बार चेक कर लेना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जो भी है आपका, जो अगर कोई सुन रहा है कॉल रिकॉर्ड, वो बंद हो जाएगा। ये सारे पहले से डाउनलोडेड हैं। अगर हम और एप्लीकेशन देखते हैं,
अगर इसमें हमने डाउनलोड कर रखा है तो आपको पता चलेगा। देखिए वीडियो कंप्रेस जो है इसको हम डाउनलोड किए हुए हैं, तो देखिए इसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी है। अगर कोई हाइड भी कर देता है दोस्तों तो इसमें आ जाएगा वो, क्योंकि ये रनिंग में भी है, एसडी कार्ड में भी अगर डाउनलोड है या डाउनलोडेड सारा यहाँ ऑप्शन सीधा ऑल में जाइए और सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अगर किसी ने आपके मोबाइल को स्पाइक कर रखा है, कोई आपकी कॉल रिकॉर्ड सुन रहा है, फोटो ले रहा है, आप सीधा यहाँ जाइए सारे को चेक कर लीजिए शुरू से अंत तक, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसा कोई ऐप मिलता है उसे क्लिक करके देखिए, अनइंस्टॉल का अगर ऑप्शन आता है तो आप समझ जाइए एक्सटर्नल डाउनलोड है कोई, ठीक है, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए उसी समय, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा शक होता है, नहीं इसमें भी नहीं आ रहा है, आप इस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हो, सीधा आपको उतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा फुल्ली फॉर्मेट मार देना है मोबाइल को, ठीक है। फुल्ली फॉर्मेट मारना आप जानते ही होंगे दोस्तों, नीचे जो भी होता है रीसेट में जाके आप पूरा रीसेट मोबाइल को कर दो, ठीक है। ये सिंपल होता है, बस अपना जो पिन होता है उसको डालना होता है, फुल्ली रीसेट हो जाता है मोबाइल, ठीक है। तो यही तरीका मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। नीचे अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब तक लाइक एंड कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों और शेयर नहीं करते, जब तक व्यू नहीं आता हम लोग का हौसला नहीं बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। आप अगर लाइक कीजिएगा तभी हमारा हौसला बढ़ेगा, तभी हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।